हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट से। उनका ऑन स्क्रीन नाम है तब की। There was a casting coordinator and I was sitting in the queue and I was waiting. There he insisted me कि why you are not auditioning? You look decent enough and I was like I'm not even prepared. क्योंकि जिस फ्रेंड का रोल आपने खा लिया, तो अभी तक आप उसके फ्रेंड हैं कि नहीं? Knowing all the languages or reading people's mind. Okay, this is not going to be a rapid fire. I have to think so much. Hi guys, मैं हूँ प्रिया आहूजा एंड यू ऑल आर वॉचिंग चैटरबॉक्स विच इज प्रेजेंटेड बाय ट्रोबो, इंडियाज बिगेस्ट ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मिलते हैं हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट से, जिन्हें आप अक्सर प्यार के नाम से बुलाते हैं, और उनका नाम है थपकी। नहीं नहीं, उनका ऑन स्क्रीन नाम है थपकी, लेकिन उनका रियल लाइफ नेम है जिज्ञासा सिंह। हाय जिज्ञासा, वेलकम टू चैटरबॉक्स। Hi Priya and thank you so much for having me. So Jigyasa, मैंने आपके बारे में जब पढ़ा और सुना तो मुझे पता चला कि आप एक accidental actor है, जैसे कि एक movie आई थी accidental prime minister कुछ उसी तरह से। So can you please tell us more about your journey? I remember कि मैं एक friend के साथ audition पे गई। There was a casting coordinator and I was sitting in the queue and I was waiting. There he insisted me कि why you are not auditioning? You look decent enough and I was like I'm not even prepared and I don't want to act. So he was like please एक इतना सा पढ़ के जस्ट बोल के देखो। सो समवेयर आई यू नो, वो कहते हैं ना एक्टिंग का कीड़ा होता है आपके अंदर, तो समवेयर मुझे लगा ठीक है। मैंने वो छोटा सा प्रिपेयर किया मोनोलॉग और मैं अंदर गई। सो देवर आशीष शर्मा एंड अर्चना ताइडे, आई वाज अमेज्ड टू लुक एट देम, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने किसी टेलीविजन सेलिब्रिटी को या किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को अपने सामने देखा एंड एक्चुअली आई बिलीव कि नहीं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिग और मुझे अच्छा करना है इसमें। एंड मैंने वो ऑडिशन दिया एंड आई क्लियर्ड एंड आई वाज सो गिल्टी कि यार मैंने तेरा जॉब ले लिया, तू इस चीज़ के लिए ऑडिशन करने आई थी। एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड अप बीइंग एन एक्टर। मैं आपसे बाकी सवाल पूछूं, उसके पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस फ्रेंड का रोल आपने खा लिया तो अभी तक आप उसके फ्रेंड हैं कि नहीं? यस यस, आई एम वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हर। बट ऐसा होता है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है हमारी इंडस्ट्री में, वो रोल उसी को जाता है, लेकिन क्या ये जर्नी उसके बाद उतनी ही आसान थी जितनी आसानी के साथ ये शुरू हुई? नॉट ईजी आफ्टर दैट, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी और जो मैंने शो किया 7-8 महीने तक, उसके बाद यू नो आई ट्राइड फोकसिंग ऑन माई स्टडीज, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। बिकॉज आई रिमेंबर 12th के बाद ही फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट किया, इन माई सेकेंड ईयर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। माई कॉलेज वॉज रियली सपोर्टिंग, उन्होंने माइंड नहीं किया मेरी अटेंडेंस, वो सब कर दिया था उन्होंने कैसे मैनेज कि मैं एग्जाम्स दे पाऊँ जाके। यू नो वो एग्जाम्स के लिए स्टडी करना वॉज सो डिफिकल्ट आफ्टर यू डू अ शो, यू आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड कि मुझे और काम करना है। वो होता है ना, आपको पैसे कमाने की आदत हो जाती है, आपको सेट पर रहने की आदत हो जाती है, इंडिपेंडेंट होने की आदत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट किया फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड आई वॉज ऑलवेज लाइक हाँ मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। सो माई पेरेंट्स वर लाइक नो अभी डोंट डू एनीथिंग, ओनली फोकस ऑन योर स्टडीज। सो दे ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं वो कम्प्लीट करूँ पहले और उसके बाद जो करना है करूँ। मैंने कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ये सब छोड़ दिया था, आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई स्टडीज। उसके बाद कॉलेज में ऑडिशन चल रहे थे सिने स्टार्स की खोज, मैंने उसका ऑडिशन दिया थिंकिंग कि ये तो हो नहीं पाएगा एंड वो ब्रेक थ्रू हो गया और मैं 4 राउंड्स क्लियर करके मुंबई राउंड में आ गई। अमेजिंग। एंड आई वॉज लिटरली लाइक मैंने अगर सीखा नहीं है कुछ भी एंड यू नो सम काइंड ऑफ फोर्स इज देयर विच इज पुशिंग मी कि नहीं ये करना पड़ेगा, तुम्हें करना चाहिए। सो माई फादर ऑलवेज बिलीव्ड इन डेस्टिनी कि इफ इट्स कॉलिंग यू गो फॉर इट। एंड देन आई वॉज एलिमिनेटेड, आई वॉज इन टॉप 12 एंड आई वॉज एलिमिनेटेड एंड आई वॉज आई क्राइड सो मच ऑन द डे। आई वॉज लाइक आई फेल्ड एज एन एक्टर, मैं बहुत ऐसा डीमोरलाइज हो गई उस टाइम। एंड देन उसके बाद कुछ छोटे मोटे रीजनल एड्स किए, तो वो होता है ना आप स्क्रीन पे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। आई वॉज इन दिल्ली इन दिस DU, I was doing my master's from there and वहाँ पर एक opportunity आई, उन्होंने मुझे बोला self test करके आप भेजो, ये एक शो है कलर्स का उसके लिए। एंड आई डिडंट बिलीव, आई रिमेंबर मुझे उस टाइम वायरल था काफ़ी एंड आई वॉज पुशिंग इट कि मुझे नहीं करना, आई एम लुकिंग बैड और मैं बहुत बीमार फील कर रही हूँ। तो वो मैंने ऑडिशन किया एंड इट वॉज अ ऑडिशन फॉर अ स्टैमरिंग कैरेक्टर एंड समहाउ तब तक मुझे ये भी नहीं पता दैट यू नो हाउ टू एक्ट लाइक अ स्टैमरिंग गर्ल या मुझे एक्टिंग कैसे करनी है, बट समवेयर देयर वॉज अ फोर्स। वो मैंने किया ऑडिशन, आई लुक्ड एट वन रेफरेंस
देयर वाज दिस एड नेस्कैफे का जिसमें द गाय इज स्टैमरिंग, वेरी फेमस एड. ओके, मैंने वो देखा, आई टुक दैट रेफरेंस एंड समहाउ आई ट्राइड टू यू नो डू इट माय वे अकॉर्डिंग टू दैट एंड आई गॉट सिलेक्टेड. द वेरी नेक्स्ट डे दे वर लाइक प्लीज कम टू मुंबई टू साइन एंड आई कुड नॉट बिलीव. मुझे लगा दिस इज समथिंग वेरी फिशी एंड ये कुछ गलत है, वहां तो इतनी सारी लड़कियां एंड मोर टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल लुकिंग देन मी. आई एम प्रीटियर देन यू. थैंक्स. So somewhere I was not believing and constantly I'm telling my father ki nahi, this is something fishy and wrong. And now the producer, very sweet producer, he was telling me that you come with your family, we will arrange your flight tickets from your, you know, accommodation, everything we will do, just come and see that this is real. And hum yahan aaye for 2 days thinking ki agar kuch aisa laga to we'll move back. We'll go back, yeah. That's fine. And yeah, it was so genuine, so nice. तब तक मुझे आई वॉज नॉट अवेयर कि वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिल गई है थ्रू माई ऑडिशन. एंड देन आई वॉज हियर फॉर लाइक 7-8 months ऑल अलोन. आई वॉज लिविंग इन अ पीजी, सो दैट टाइम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज लाइफ अलोन विदाउट फैमिली एंड वर्किंग. बट वो एक ऐसा प्रोसेस था मेरे लिए फर्स्ट शो में दैट मुझे पता ही नहीं चला 3 साल कहाँ चलेगा. 3 साल चला वो शो एंड आई वॉज सो इमोशनली अटैच टू द शो, टू ऑल द कैरेक्टर्स, टू द सेट, एवरीथिंग अराउंड. तो जिज्ञासा, आपने इतना बड़ा शो किया, मुझे आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना है. आपका पहला दिन और आखिरी दिन उसी शो का. आई फील हर शो में लास्ट डे बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी एक्टर के लिए. एंड आई बिलीव जो लीड प्रोटैगनिस्ट होते हैं मेल एंड फीमेल, उनके लिए बहुत, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड ऑन द सेट. मैं जिज्ञासा थी कुछ ऐसा 7-8 घंटों के लिए और मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज थपकी ऑन माई सेट. फर्स्ट डे आई रिमेंबर आई वॉज बिट नर्वस, वेरी कॉन्शियस, एट द सेम टाइम बहुत एनर्जी थी मेरे अंदर टू डिलीवर, टू एक्सप्लोर कि ये कैरेक्टर करना कैसे, क्योंकि फर्स्ट डे आप बिल्ड कर रहे होते हो वो कैरेक्टर और वो एक दिन में बिल्ड नहीं होता है. यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ लाइक मंथ्स कि दिस इज माई कैरेक्टर. फिर वो बोलते हैं ना, एक्टर एक कैरेक्टर पकड़ लेता है ना, हाँ इसको पता है कि ये क्या करना है. एंड आई वॉज वेरी थ्रिल्ड टू मीट माई को एक्टर्स कि कौन है, किसके साथ इतना लंबे समय तक आपको शो करना है. एंड लास्ट डे आई रिमेंबर इट वॉज वेरी पेनफुल, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऑफ एयर जा रहा है शो, बट वो आई थिंक टाइम हो गया था. बट जिस शो के अंदर मैंने 3 से 4 कैरेक्टर अंदर निभाए, नॉट इवन एज थपकी, आई वॉज प्लेइंग बानी, आई वॉज प्लेइंग हर डॉटर, देयर वर डाइवर्स रोल्स. वो हर शो में ही होता है ऐसा कि यू गेट अटैच्ड सो मच विद योर कैरेक्टर कि आई फील कि वो कैरेक्टर भी आपसे कुछ डिस्ट्रैक्ट करता है और आप उस कैरेक्टर को देते भी हो. आपकी जो शुरुआती जर्नी रही वो दिखने में बहुत ही ज्यादा स्मूथ रही, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया, आई कैन फिगर आउट कि आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ थी. बट जब आपने शक्ति किया, आपने रुबीना को उसमें रिप्लेस किया, वॉज लाइक अ बिग नेम एंड बिग थिंग टू डू किसी भी कलाकार को रिप्लेस करना, कि वो जो उनकी ऑडियंस है, जो उनके चाहक है, उनके फैंस है, उनके दिलों में फिर से अपनी जगह बना पाना. आई वुड लाइक टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर यू एज एन आर्टिस्ट. व्हेन शक्ति लैंडेड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल ऑनेस्टली. जब मुझे इसका ऑडिशन करना था, मैंने ये ऑडिशन शक्ति के लिए दिया ही नहीं था. आई ऑडिशन फॉर सम अदर शो इन द सेम प्रोडक्शन हाउस, बट देन दे अप्रोच मी फॉर शक्ति. For the and I remember there was this different actor who was logged for my character, and she was even shooting on the set, like she shot for 2 days. And then I was approached, then I was very skeptical ki main karu. So many people, because aap conscious hote ho, I discussed this with my friends, everybody told me no, don't do it, unke alag audience hai, you will step, ye to chalta hi nahi hai, wo ek aapke ek norms bana rakhe hain logon ne. But I completely disagree now. Agar mujhe lagta hai if you are talented enough you can replace any actor, that's fine. Rubina is a wonderful actress and unhone shakti ko jo उस मुकाम तक पहुंचाया जाए, उसकी TRP काफ़ी हाई थी. इट वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट यू नो माई पेरेंट्स डेफिनेटली, आई एम गेटिंग देम अगेन हियर, दैट उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया. दैट्स व्हाई आई रिमेंबर आई वॉज इन सिंगापुर ऑन अ फैमिली वेकेशन एंड आई वॉज लॉक्ड फॉर शक्ति एंड दे वर लाइक कम. आई वॉज लाइक आई कैन नॉट कम ऑन आई एम ऑन अ वेकेशन. देन दे वेटेड फॉर मी फॉर लाइक सम टाइम एंड वो आके पता चला शूट थोड़ा पुश हो गया. सो आई वॉज अबाउट टू शूट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जैन में शिफ्ट हो गया था. I feel that was the best character of my life. Thapki is very close to my heart, but I would love to play Heer again in Shakti. I would love to be Heer. It was so fulfilling, so satisfying as an actor to play such, and I feel I'm blessed ki mujhe itne
डिफ़िकल्ट और यूनिक कैरेक्टर्स प्ले करने को मिले हैं आज तक. आई एम ग्लैड और मैं ऐसा एक पैटर्न बन गया कि अभी भी अगर कोई शो आता है सो आई एम ऑलवेज यू नो क्रेविंग कि कुछ अलग हो इसमें, कुछ यूनिक हो, सो दैट आई कैन मेंटेन दैट थिंग. क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि यार यू हैव बीन ब्लेस्ड इनफ इतने अच्छे कैरेक्टर्स के, बट आई फील शक्ति वॉज टू गुड. मतलब लोगों ने ये भी बोला अरे ट्रांसजेंडर प्ले करेगी, ऐसा मेकअप होगा, यू विल नॉट लुक लाइक जिज्ञासा, वो रेजोनेट नहीं होगा ऑडियंस से, एंड इट वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट. एंड वहाँ मुझे याद है आई यूज टू डिलीवर सच बिग मोनोलॉग्स जो मुझे पढ़ के लगता था एम आई डिलीवरिंग सम स्क्रीन प्ले, दिस इज़ नॉट अ डायलॉग. बट वो आप एक पैटर्न में आ जाते हो ना, एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है दैट आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट सो मच कि मुझे लगता था आई ओन दिट दिस प्लेस, दिस कैरेक्टर इज माइन. And it was beautiful and I'm really glad I got to play that character. I'm glad. तो जिज्ञासा, जैसे हमने कहा कि बाहर बहुत सारे लोग टीवी एक्टर्स को डिमीन करते हैं, क्या आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है कि आपने फिल्मों में या वेब में ट्राई करने की कोशिश की हो लेकिन आपको ऐसा सुनने मिला हो कि आप टीवी एक्टर हो, टीवी एक्टर्स को हम कास्ट नहीं करते हैं, ऐसा कुछ, ऐसी कोई फीलिंग आई है आपको? लास्ट ईयर से लेके अब तक खैर मैं काफ़ी यू नो आई बीन ट्राइंग इन वेब एंड फिल्म्स एज वेल and I'm even open for TV, for good show. यार it doesn't matter कि आप web कर रहे हो या film कर रहे हो या TV कर रहे हो, an actor wants a good content job. Like for me it's not like a job also. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक अच्छा content, अच्छी acting करनी है. But web में क्या हुआ, मैंने जब approach करना start किया लोगों को, I don't know, there is some definitely some hitch. You can say कि अच्छा 8 साल TV किया है, okay. तो एक मुझे ऐसा फील हुआ और मैंने जितना लोगों से भी बात किया ऐसा डायरेक्टली मुझसे कभी नहीं बोला कि एंड डेफिनेटली उनका एक सर्कल है दैट दे ऑलवेज प्रेफर देयर सर्कल एक्टर्स एंड यू नो सो मेनी पीपल हैव सजेस्टेड मी कि यू नो यू गेट इनटू देयर वर्कशॉप तो ज़्यादा तुम्हें यू नो या उनके ऑफिस लेवरेज मिलेगी समथिंग लाइक दैट. मुझे ऐसा लगा आप मौका तो दो ऑडिशन देने का, then decide na that she is talented enough or not. If I'm not talented don't give me that role. मतलब ऐसा नहीं आप छीन के ले जाओगे. तो definitely but अभी काफ़ी लोगों के mindsets बहुत change हो रहे हैं. So many talented people are coming from TV. You know मृणाल ठाकुर, so many, राधिका मदान. So it's easy but yes to get that one opportunity you have to have that luck. सो ऐसा कई बार हुआ है कि हम मजाक उड़ाते थे कि फैक्स मशीन से गरम 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 सारे ही सारे ऑलवेज यूज्ड टू से कि अभी अभी राइटर ने लिखा है और तवे से उतर गया चीज़ें, क्योंकि दैट इज अ नेचर ऑफ टीवी. क्योंकि आपको रोज डिलीवर करना है, रोज टेलीकास्ट होना है एंड इट्स लाइक टीवी में क्या चलता है कि अगर वो स्टोरी नहीं वर्क कर रही है देन इमीडिएटली. सो मुझे लगता है बींग एन एक्टर मुझसे भी ज्यादा प्रेशर राइटर पे है, प्रोड्यूसर्स पे है, चैनल पे है, एवरीबॉडी. इट्स अ टीम वर्क. They'll be like, अरे ये लास्ट सीन लिख लो, ये लास्ट सीन एक्ट कर लो, फिर मर जाना. I know. करके जाना. Even if you are in fever, वो लास्ट सीन आप करके जाओ जिससे 2-3 दिन का बैंक रहे हमारे पास. बट आई एंजॉय दैट प्रोसेस. मुझे ऐसा लगता है मुझे आदत हो गई है अब. तो ऐसा भी एक बार हुआ है कि जब आप शक्ति आपका शो खत्म हुआ उसके बाद आपको थपकी वापस मिला, बट यू वर गोइंग थ्रू मेजर हेल्थ इश्यूज. आई लव एक्टिंग, आई लव गोइंग ऑन द सेट एवरी डे, बट समवेयर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग सम सिम्टम्स. आई वॉज नॉट फीलिंग ऑल राइट समवेयर. आई वॉज फीलिंग वेरी लाइक आई वॉज फीलिंग फटीक समवेयर. आई फेल्ट कि समथिंग इज रॉन्ग यू नो. देन फाइनली वो अलार्म था मेरे लिए. आई वॉज सिटिंग इन अ सैलॉन. आई नोटिस्ड अ बिग पैच ऑन माई हेड ऑफ एलोपेशिया. आई वॉज नॉट इवन अवेयर दैट वॉट एलोपेशिया वॉज. एंड देन आई वॉज शूटिंग अगेन नेक्स्ट डे विद द पैच ऑन माई हेयर एंड यू नो कवरिंग इट through makeup and hair and everything. So somewhere you know it start affecting me mentally where I was not looking all right. I used to look into the mirror, I was not looking the same. Definitely I tested and I was down with thyroid, hypothyroidism. Okay. I was like oh shit, ye sab kab ho gaya mujhe pata hi nahi chala. And doctors are like take 1 month off. Wo possible nahi hai. And I have my brother's wedding on my head. My real brother was getting married. And on the same month, these things were happening. My shoot is also going on. And somewhere, वो उन सब चीजों की वजह से बहुत stress हो गया मुझे. And I decided I should not take this ahead. It was a very difficult call where not people sure. were actually telling me that you can't do this. It's such a big show. I was getting paid really well in that show.
it was a very difficult call to let go of that. It was never a decision that was made कि मुझे rest लेना है. It was a decision made कि नहीं मुझे ठीक होना है. I don't want to look myself on screen like this. Then I decided, then I took time off. When I was completely alright, I lost weight. So and here you can I see am. That you're looking gorgeous as ever. I'm still on that process. I would like to ask you this कि कोई ऐसे actor जो आपके हमेशा से favourite रहे हों और आपको उनसे मिलने का मौका मिला हो and your awe moment with any actor. It just happened like 2nd November. That's Shahrukh Khan's birthday. Yeah, I got to meet Shahrukh sir and Ranbir Kapoor. Like oh, I'm wow. the biggest fan of Shahrukh sir and Ranbir. Ranbir is like my childhood crush. I think everybody like can't say childhood because I'm like old enough now. But yeah. Nee, he's I everybody's have, crush. I have like adored him not as a human being or how his appearance is or how he looks. But as an actor, he's a great actor and Shahrukh sir is a legend. Yeah, yeah. तो जिज्ञासा एक दौर आया था कोविड का. हम सब एक्टर्स ने हमारी इंडस्ट्री ने बहुत खराब टाइम देखा. आई एम श्योर ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने देखा है. तो मैंने आपके बारे में सुना है कि एक दौर ऐसा था कि जब आपके पेरेंट्स को भी कोविड हुआ, आपके घर में सबको कोविड हुआ, फिर आपको भी कोविड हुआ. सो हाउ यू वर ड्यूरिंग दैट टाइम, लाइक यू नो हाउ यू मैनेज एवरीथिंग, क्योंकि आई थिंक तब आप आपके शो की शूट भी कर रहे थे. एक तो वी वर नॉट अवेयर दैट व्हाट वाज कोविड. तो वी वर थोड़ा थ्रिल्ड कि 10 दिन शूट नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, बिकॉज़ वो होता नहीं है. तो वी वर वेरी हैप्पी ऑन द सेट. आई वाज टू प्लानिंग हॉलीडेज और विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट व्हाट इज कोविड, ये क्या हो रहा है, बिकॉज यू नो व्हेन आई वाज डूइंग टेलीविजन देयर वाज नो टाइम टू वॉच न्यूज या कुछ भी. एंड व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड फर्स्ट वेव, तो आई एम श्योर सबके लिए ऐसा गया दैट पीपल वर कुकिंग एंजॉयिंग घर पे फॉर द फर्स्ट टाइम. वो लाइफ ऐसा रुक गई थी सबके लिए. तो दे वर एंजॉयिंग विद द फैमिली एंड इट वॉज It's not at all a good thing, but on the positive side, if I look, मुझे first wave में किसी को touch wood नहीं हुआ था हमारे घर में. Second wave was very difficult. We were asked to move our set to Agra. I was doing Shakti that time, and I remember मेरे घर में my father was COVID positive and my brother was COVID positive. So my building didn't allow me to go out, and my producers tried their best to get me out of the building, but it मतलब my society was really strict and big. So I waited कि एक इंसान नेगेटिव होगा सो मैं जाऊँगी. सो वो हुआ, माई ब्रदर गॉट नेगेटिव लाइक 3-4 दिन बाद. आई वेंट टू आगरा, आई शॉट देयर फॉर 2 डेज एंड आई वॉज डाउन विद 102-103 फीवर. एंड इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज एट द सेम टाइम माई नाना जी एक्सपायर्ड. आई कुड नॉट टेल माई फैमिली दैट यू नो आई एम कोविड पॉजिटिव यूर. आई थॉट दैट एंड आई वॉज सो इल, मतलब मैं इतना बीमार अपनी लाइफ में नहीं थी. इट वॉज सो डिफिकल्ट. I was puking like 10-15 times a day. It was very difficult and you are all alone in one room in a hotel. So I was asked not to shoot at all. I was quarantined in my room. Somehow I managed to reach Mumbai with all the PPE kit and everything, and it was so difficult for me to travel when you are positive. So somewhere yeah it happened and मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ भी हो जाएगा वो मुंबई में हो और कहीं ना हो. आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई फैमिली. And then I tested here, then I was positive. मतलब RT-PCR मैंने किया ही नहीं था वहाँ पे, but somewhere I knew that you know because everybody is getting it. What is 102-103 fever? But I didn't want it to test क्योंकि मुझे वहाँ नहीं रहना था. And I tested and I was positive. I was in COVID for 28 days. I lost around 10 kgs in 28 days. I was so lean, so thin, like the thinnest of my life. जिज्ञासा मुझे तो आपसे बातें करके बहुत मजा आया. This was like a heart to heart convo between two girls who are from television. Actually, and it's never ending. Yeah, yeah, yeah. So we can continue rest of the conversation off the cameras. Okay. But here I would like to ask you some rapid fire questions. And I want some chatpat answers and chatpat answers. Okay, I'm ready. So, हम रैपिड फायर में पूछते हैं सवाल हमारी सेलिब्रिटी से जिनके उनको देने होते हैं फटाफट से जवाब. और आप भी ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं प्रोबो ऐप पर जाकर. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहिए डाउनलोड कीजिए और ऐसे चटपटे सवालों के जवाब दीजिए. चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी सेलिब्रिटी के साथ और उनसे जानते हैं कुछ चटपटे सवालों के जवाब. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज नोइंग ऑल द लैंग्वेजेस और रीडिंग पीपल्स माइंड. रीडिंग पीपल्स माइंड, यस, इन टेलीविजन यू नीड दैट. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू कुड ट्रैवल बैक इन टाइम व्हाट पीरियड वुड यू वांट टू गो बैक टू. 90s, यस, एनी डे, मिलेनियम किड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश एंड योर करंट क्रश. फर्स्ट एंड करंट बोथ रणबीर कपूर.
मनी और फेम? फेम. आई गो फॉर मनी. ओके, आई थिंक विद फेम मनी विल कम. या मे बी, डोंट वरी. इन टेलीविजन मे बी नॉट. ओके, what is the fastest speed you have ever driven a car at? I think I'm a very slow driver. 70 maybe, 70, 80. Yeah, that's the fastest because I've met with an accident. So I'm very careful while I'm driving. I'm a very good driver. Okay, next time. That's what I feel. Yeah, so next time I'll take you. Okay, if you could make one thing change, like, you know, in your life, what it would be? One thing change. Okay, this is not going to be a rapid fire. I have to think so much. I want to change. Sometimes I'm little lethargic and lazy. I want to change that because sometimes, you know, I tend to push things ki kar lenge, kar lenge, kar lenge. So I need to just change that and be ekdam on spot, energetic. So when I'm off work, I've realized मैं ऐसे थोड़ा आराम से करती हूँ सब चीज़ें, बट व्हेन आई एम वर्किंग देन देयर इज नो एस्केप. देयर इज नो एस्केप, यू हैव टू. सो इफ अ टॉयलेट पेपर रोल इज रियली लो, ओके, बट नॉट कम्प्लीटली ओवर, वुड यू रिप्लेस इट फॉर समवन एल्स और जस्ट लीव इट लाइक दैट सो दैट समवन एल्स कैन रिप्लेस इट? आई थिंक आई हैव ओसीडी, आई विल रिप्लेस इट फॉर समवन एल्स. इफ देयर इज अ कॉकरोच इन योर रूम, यू वुड किल इट, सेट इट फ्री और स्क्रीम एंड रन आउट? आई विल किल इट, आई एम सॉरी. I'm very scared of cockroaches and some. I can't bear them because मुझे लगता है वो कहीं और चला गया तो घर में किसी और को लगा देगा. Okay. What would you rate your karaoke skills from the scale of 1 to 10? 9. 9. I think I sing really well. That's so what I think. Can we hear like 2 minutes? I will do that off screen. Yeah, please do that right now. I will do that off screen. I don't know, you have given yourself 9. Yeah, how we can let you go, please? Okay, only 2 lines. Okay. Ranbir Kapoor ka gana. Ranbir Kapoor ka gana. Okay. Tumse hi सब बातें आपसे मिलता हूँ. सॉरी, आई एम वेरी बैड विद लिरिक्स, बट आई सिंग वेल, दैट्स व्हाट आई थिंक. आई मीन यू शुड गिव योरसेल्फ 10 और 10. ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स द मोस्ट नंबर ऑफ आवर्स यू हैव स्पेंट वाचिंग टेलीविजन इन वन गो और इन अ वाचिंग टेलीविजन लाइक अ डेली शो? या लाइक इन वन गो. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ अ शो नेम्ड कथा. So many friends of mine is aware. I am in love with that concept, with all the actors. वो मैंने binge watch किया है around I think 7-8 episodes. वो मेरे miss हो गए थे. So I'm ऐसा मैं binge watch करती हूँ वो show. I love that show. So Jigyasa, it was lovely, lovely having you over. But before you leave us, we would like to give you a token of appreciation from us and our title sponsor Provo. Yay! Thank you so much, Priya. We really hope that you enjoy this hamper. And once again, thank you so much for coming over. Thank you so much. I'm taking this hamper. It's a very big, heavy hamper. Thank you so much for having thank me. Thank you. Thank you. तो जिज्ञासा अपना लक ट्राई कर रही हैं वेब सीरीज और फिल्म्स में. आपको जाना है प्रोबो ऐप पर और इस सवाल का जवाब देना है कि क्या जिज्ञासा 2024 में फिल्म्स में अपनी किस्मत आजमा पाएंगी या नहीं. और इस सवाल का ही क्यों, आप ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं प्रोबो ऐप पर. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को कहिए डाउनलोड करने के लिए, पार्टिसिपेट कीजिए और लाखों रुपये कमाइए. और आप भूलिएगा मत कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ढेर सारे कमेंट्स देने हैं. और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले सीजन में किस किस सेलिब्रिटीज़ को देखना चाहेंगे.